अभी आपको खबर दें, मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। मजीद जानेंगे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से जो कमेटी कायम की थी स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से, उसको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने कमेटी की जो तश्कील है उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त दायर की गई है साकिब नजम की जानिब से, इसमें ये इस्तराह की गई है अदालत से कि 2 मई को स्पीकर कौमी असेंबली ने मुबैना की तहकीकत के लिए कमेटी कायम की। स्पीकर की तश्कील करना कमेटी गैर कानूनी है, इन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त में यह भी सजा की गई है कि 25 मई के नोटिस में मेरे वालिद को जाती हैसियत में कमेटी के रूबरू पेश होने का कहा गया। कमेटी का इजलास हुए बगैर ही तलबी का नोटिस भेज दिया गया। इस दरखास्त में यह भी सजा की गई है कि स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दिया जाए। मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से जो कमेटी कायम की गई थी स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से, उसको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने कमेटी की जो तश्कील है उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त दायर की गई है साकिब नजम की जानिब से, इसमें ये इस्तराह की गई है अदालत से कि 2 मई को स्पीकर कौमी असेंबली ने मुबैना की तहकीकत के लिए कमेटी कायम की। स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी गैर कानूनी है, इन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त में यह भी सजा की गई है कि 25 मई के नोटिस में मेरे वालिद को जाती हैसियत में कमेटी के रूबरू पेश होने का कहा गया। कमेटी का इजलास हुए बगैर ही तलबी का नोटिस भेज दिया गया। इस दरखास्त में यह भी सजा की गई है कि स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दिया जाए और अदालत में ऑपरेशन को भी मुअत्तल किया जाए। शुक्रिया शहजाद।